हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एफसीएम में। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ है अभी आपका 25 और 26 अक्टूबर को, तो उससे रिलेटेड इसके एक्सपेक्टेड मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। साथ साथ में फ्रेंड्स मैं ये चीज़ें बताऊँगा कि इसकी जो अब डेट आ चुकी है कब होगी इसकी फिजिकल एक्सरसाइज और इसका फाइनल रिजल्ट कब आएगा। नॉर्मलाइजेशन हो गए नहीं, कुछ बच्चों ने रीड भी डायर की क्योंकि जो इसके प्रीवियस टाइम में जो 18-19 जून को हुआ था तो 18 के शिफ्ट में जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसमें कुछ पेपर्स जो थे आसान थे, और ये सब सारी चीज़ें एनालिसिस में डिस्कस करूंगा अपने इस वीडियो में। चलिए फ्रेंड फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अभी जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपके वीडियो के नोटिफिकेशन हमेशा और सबसे पहले मिलते रहे। फ्रेंड्स इस चैनल पे हमेशा एजुकेशन की वीडियो भी प्रोवाइड की जाती है, साथ में जो भी अपकमिंग एग्जाम आता है या कोई अपकमिंग वैकेंसी आती है उसकी सारी अपडेशन से लेकर वैकेंसी से लेकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सर्टिफिकेशन और साथ साथ उसका पूरा क्रैश कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। फ्रेंड्स इस टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो और टीटी एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं और लगातार चल रहे हैं। 2 से 3 दिन के बाद इसका फिर से यूपी पुलिस एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 51,000 के आसपास में वैकेंसी आने वाली ऑफिशियल आते ही मैं सारी चीज डिस्कस करूंगा आपके साथ। चैनल को हमारे कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को अगेन फिर से प्रेस कर लें। चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स आपका यूपी पुलिस री एग्जाम एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2018। एग्जाम एनालिसिस करेंगे सीधी सीधी सारी सारी चीज़ें और उसके साथ में इसको डिस्कस करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि जैसा मैंने बताया कि अभी आपको थंबनेल में ही दिखा होगा, वीडियो के स्टार्टिंग में दिखा होगा कि इसकी फिजिकल एक्सरसाइज कब हो रही है, फिजिकल एक्सरसाइज कब हो रही है, कब फाइनल रिजल्ट आ रहा है, तो वो चीज़ें मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि वो एक्सपेक्टेड कट वो चीज़ें कब होने वाली है। जैसे कि फ्रेंड्स आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि 15 दिसंबर को आएगा सिपाही भर्ती का रिजल्ट, तो जो फाइनल रिजल्ट है उस टाइम आने वाला, क्योंकि इस वैकेंसी को बहुत ही जल्दी क्लियर कराने की प्रक्रिया चल रही है। तो सारी थोड़ी सी न्यूज़ को मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। सिपाही भर्ती पुलिस पुरुष महिला परीक्षा तथा आरक्षी पीएससी पदों पर सीधी भर्ती 2018 की दूसरी पाली की निरस्त की गई परीक्षा संपन्न कराने के बाद अब जल्द परीक्षा परिणाम को घोषित किए जाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने इसके लिए 15 दिसंबर का लक्ष्य रखा फाइनल रिजल्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, इस डेट को आपका आएगा फाइनल रिजल्ट। और क्या चीज़ें देख लेते हैं इसमें, और नवंबर माह में अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। इसे जल्द संपन्न कराने के लिए इस बार 5 गुना तक अधिक केंद्र बनाए जाने की योजना है। उल्लेखनीय की सिपाही भर्ती 2018 के तहत 41,520 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी कितनी है, 41,520 वैकेंसी। तो फ्रेंड ये थी इंपॉर्टेंट चीज़, और जिन लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बिटवीन में आता है फ्रेंड्स, वो आज से ही अपने दौड़ को स्टार्ट कर दें और कंटिन्यूस के लिए अच्छे अपना बेस्ट दें और दौड़ के फिजिकल की तैयारी करें। चलिए फ्रेंड्स सीधा सीधा मैं आता हूँ कट ऑफ के पॉइंट को डिस्कस करने के लिए। फिर से आ चुके हैं फ्रेंड्स हम अपने मेन पेज पे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं एग्जाम को एनालिसिस, क्योंकि इसकी आंसर की मैंने 1.5 से 2 घंटे के अंदर ही सारी प्रोवाइड कर दी थी। आपका काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस मिला था, काफ़ी बच्चों का कमेंट आया था, 7,000 व्यूज़ भी आए थे उस पर, नियर अबाउट इससे ज़्यादा ही आए थे, और सब लोगों का कमेंट आया था एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। तो मैंने एक वीडियो पर्टिकुलरली बनाया एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सारी आंसर की भी मैच भी कर सकते हैं, और अब तो ऑफिशियल आंसर की भी आ चुकी है, और वहाँ पर जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है इस टाइम ऑफिशियल पेज ओपन रहा उस वहाँ पर जाके आप अपना आपत्ति भी दायर कर सकते हो किसी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम है। चलिए फ्रेंड फटाफट एग्जाम को एनालिसिस करते हैं, पेपर के पैटर्न को देखते हैं और उसके बाद डिस्कस करते हैं आपके कट ऑफ को। चलिए फ्रेंड सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बता दें कि मैथ्स का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट मतलब 10 से 15 क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जो काफी घूम फिर के थे और वो शायद ज्यादातर बच्चों के नहीं निकले हैं। जीए का जो क्वेश्चन था सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे यूपी पुलिस के सभी स्टूडेंट को, वो जीएस के पैटर्न को देखिए हुई थी। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें अगर मैंने किया था तो 38 क्वेश्चन में नियर अबाउट 30+ क्वेश्चन किए थे, और उसके बाद 2-3 क्वेश्चन को मुझे खुद गूगल करना पड़ा था, तो समझ लो कि आपको क्या दिक्कत हुई होगी। तो ज़्यादातर बच्चों के रिस्पांस आ रहे थे कि सर 20 से 25 क्वेश्चन ही हो पाए हैं, उससे ज़्यादा नहीं, और जिनके और हुए हैं तो समझ लो कि बेस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट थी इसमें तो 20 से 25 ही लोग करते हैं। रीजनिंग का जो पैटर्न था वो इजी टू मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चन आसान थे, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, हिंदी काफ़ी आसान थी। तो ये था आपका पेपर का पैटर्न। ठीक है फ्रेंड, तो इससे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि फ्रेंड्स अगर आप मैथ्स में समझ लो कि 10 क्वेश्चन आपके नहीं हुए और 20 आपने 20 क्वेश्चन नहीं किए किसमें, जीए में नहीं गया, तो 30 क्वेश्चन तो यहीं से आपका क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है। अगर किसी ने तुक्का लगाया भी है तो वो भी चीज़ क्या रखी है, आपकी माइनस में जा रखी है। और सबसे बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो मैंने ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बने उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को, किस चीज़ को मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि इसमें सबसे जो पहला पॉइंट है 1/2 की माइनस मार्किंग हो रही है। क्या हो रही है, 1/2 की माइनस मार्किंग। आपने जितना भी तुक्का लगाया सब अगर गलत हुए होंगे तो काफ़ी दिक्कत होने वाली थी, और
पेपर पैटर्न टाइप इजी टू मॉडरेट, ठीक है, पिछली बार के पैटर्न से काफ़ी पैटर्न चेंज हुआ, जीएस का काफ़ी इंक्रीज हुआ लेवल देखने को मिला। और दूसरी चीज़ एज ग्रुप्स, एज ग्रुप्स बोले तो कुछ तो 1822, ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद जिनको आरक्षण मिला उनको 22 से क्या है 27 या 23 अकॉर्डिंग टू 22 22 टू 27 अकॉर्डिंग टू उनको रिजर्वेशन के कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो अच्छे मार्क्स करने वाले हैं आपके फिजिकल एक्सरसाइज में तो वो होंगे आपके 18 से 22, ये चीज़ आपको मेंशन करना है, हमेशा ध्यान में रखना है। थोड़ा सा उनका लेवल डाउन होगा जो इसके एज ग्रुप के ऊपर होंगे, ठीक है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू ये तो समझ लो कि आप जान सकते हो। और अगला और सबसे लास्ट पॉइंट है 41,000 प्लस वैकेंसी, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में मैंने बताया कि 41,650 के आसपास में वैकेंसी है जो भी है, तो 41,000 तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। ये सब चीज़ को मोस्ट एक्सपेक्टेशन ध्यान में रख के आपके कट ऑफ को बताया गया। चलिए फ्रेंड आगे चीज़ को डिस्कस करते हैं, और ये जो मेरा एक्सपेक्टेशन कट ऑफ है, ठीक, उसमें प्लस माइनस 5 हो सकता है, ये मैंने पहले पहले आपको बता दूँ। अभी तक जितने कट ऑफ भी मैंने डिस्कस, चाहे वो हाई कोर्ट का रहा हो चाहे जो भी, हाई कोर्ट में मेरे कट ऑफ से सिर्फ 2 नंबर का डिफरेंस हुआ था फ्रेंड्स, मैंने बताया था 78 जनरल के कट ऑफ को, तो SC गया था और ग्रुप सी की मैं बात कर रहा हूँ। और ऐसे ही सारी लगातार अभी जितने भी मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ दी उसमें ऐसा होता रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लस माइनस का 5 का डिफरेंस मैं हमेशा लेके चलता हूँ, और इतने के विटामिन में हमेशा होता है। चलिए फ्रेंड फटाफट डिस्कस करते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ को और अपने मेन पॉइंट को। जनरल के कट ऑफ फ्रेंड्स मैंने जो बताई, ये आपके मार्क्स होंगे, क्या होंगे, ये आपके मार्क्स होंगे, ये आपके वो नहीं है, ठीक है, 150 ही क्वेश्चन थे तो ये आपके मार्क्स होंगे। जनरल के लिए जो मैंने कट ऑफ बनाई फ्रेंड्स, तो ये 175 से 185 के बीच में, ठीक है, प्लस माइनस 5 का डिफरेंस हो सकता है। अगर फीमेल की वही बात करें तो फीमेल का 10 नंबर का डिफरेंस होता है, तो ये चीज़ आपको क्या कर सकते हैं ध्यान में रख के चलना और देख के चलना, ठीक है फ्रेंड्स। आगे डिस्कस करते हैं ओबीसी कैंडिडेट्स को लेके, ओबीसी कैंडिडेट्स का है 170 से 180 के बीच में, और जो फीमेल कैंडिडेट्स होंगे उनके 160 से 172 के बीच में, ठीक है फ्रेंड। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप सभी अपने मार्क्स को बताएं और यहाँ से एनालिसिस करें। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अभी से या कल से ही अपने दौड़ को स्टार्ट करें, फिजिकल एक्सरसाइज को अपना सबसे बेस्ट दे, उसमें आप फाइनली गेट सेलेक्ट हो गए, ये मेरा वादा है, ठीक है फ्रेंड। अगर इस चीज़ के बीच में आपका आ रहा है या ज़्यादा है तो बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट लेवल। SC के लिए मैं बता दे रहा फ्रेंड्स, ये आपका 150 से 160 के बीच में होने वाला है, प्लस माइनस 5 का डिफरेंस हो सकता है। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 140 से 150 के बीच में, ठीक है। ST कैंडिडेट्स के लिए 143 टू 150 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 132 टू 140, ठीक है फ्रेंड्स। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इसमें एक्स सर्विस मैन वालों ने भरा है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें भी सीट थी उनकी, लेकिन उसके बराबर तो फॉर्म ही नहीं भरा, ठीक है, तो उनके लिए केवल पास होना जरूरी कर दिया गया है। क्या होना है, पास होना है, बस क्या होना है, पास होना है, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बता दिया कि नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस क्या होगी, जैसे कुछ बच्चों ने रीट दायर किया भी कि उनका पेपर का पैटर्न काफ़ी आसान रहा था पहला शिफ्ट में और एक 1.5 महीने की इनको टाइम मिल गई थी, ये सब सारी चीज़ को लेकर एक रीट दायर की गई थी, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पर भी बात चल रही है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। जैसे याद है फ्रेंड्स सारी चीज़ मैं आपको डिस्कस करूँगा और इसी चैनल पर सबसे पहले आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें हमारे YouTube चैनल को, और हमेशा जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ में, क्योंकि बेस्ट और बेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, चाहे वो आपका करंट अफेयर्स हो, चाहे वो रीजनिंग, इंग्लिश, सारी चीज़ इस पर डिस्कस की जाती है, और हमेशा अपकमिंग एग्जाम को लेके क्रैश कोर्स फुली और पूरी चीज़ को कवर किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को क्लोज करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।